फैसले असं ये रखे है जी कि जिवें अमृतपाल पंजाब का माहौल खराब कर रहा वै उत्ते नथ पाई जाए, उस तो बाद जिहड़े खालिस्तान जिहड़े नारे लग रहे हैं उत्ते नथ पाई जाए कि सरकार ने किदां कायम रखनी है। हर रोज़ गैंगवार गुंडा राज है, कित्थे आ कित्थे आ कित्थों आ रहा वै। इसलिए सरकार नूं चाहीदा वै गैंगवारवाद खत्म करना चाहीदा है, गैंगस्टरवाद खत्म होना चाहीदा वै। साडा जिहड़ा मुद्दा पंजाब नूं एक करन लई है, असीं पंजाब दी शांति लई आ और सारयां नूं कहिंदे आ कि असीं मिलजुल के रहिए, मिलजुल के साडा मुद्दा है, साडा मिलजुल के रहिण दा मुद्दा है, ठीक है। जिहड़े कोई शरारती आंसर बोलदे आ सरकार उहनां दे परचा दर्ज करे। जय श्री राधे, ठाकुर जी का आशीर्वाद सदा सब पर बना रहे। अज मान योग गवर्नर साहब नाल मुलाकात की है, मुलाकात करन दा सारना वड्डा मसला कि साडे पंजाब दी जिहड़ी अमन शांति खराब हो रही है, साडा भाईचारा खराब हो रहा है, उस पास उस विषय आपां डिस्कस की है कि सर साडे पंजाब दी अमन शांति कायम रहे, पंजाब दे विच साडी कोई सुनवाई नहीं हो रही, साडे दे जिहड़े अत्याचार पंजाब च वध रहे ने। इसलिए कहने कि जिहड़ा हिंदू सिख नूं माज दा रिश्ता वै वह हमेशा बनिया रहे। असी कभी नहीं चाहवांगे कि पंजाब का कभी भी कोई बंदा माहौल खराब करे, पंजाब का असी भी कभी माहौल खराब नहीं होने देना। और मानयोग गवर्नर साहब ने सानू आश्वासन दिता वै कि सारे जड़े मसले तुहाडे सरकार तक उपर पहुँचाए जाएंगे और सानू उम्मीद भी है कि साडे जड़े मसले सरकार तक उपर पहुँचाए जाएंगे। मेन मसले असी ये रखे है जी कि जिवें अमृतपाल पंजाब का माहौल खराब कर रहा वै उत्ते नथ पाई जाए, उस तो बाद जिहड़े खालिस्तान जिहड़े नारे लग रहे हैं उत्ते नथ पाई जाए। मतलब पंजाब एक भाईचारक सांझ है, भाईचारक सांझ रहे बस। पंजाब भर दा हिस्सा है। अमृतपाल सिंह किवें माहौल खराब कर रहे हैं, पिछले दिन ही गरड़ दे विच अलग मंग रहे हैं धार्मिक समागम। आपां एक पत्रकार साहब आपां एक बेनती, मैं अमृतपान होया उत्थे भी शिवसेना ने विरोध करता कि होना नहीं चाहिए, अमृतपान होने भी गलत ने। पत्रकार साहब यह नहीं है अमृत छकाना गुरु के घर लड़ लाना बहुत वधिया जी, असीं भी कहिंदे आ नहीं विरोध, मतलब मैं मेरी गल सुनो, ओह उन्हां नूं पुछना उन्होंने क्यों किया। असीं कहिंदे आ असीं अमन शांति रहे पंजाब दे विच, असीं भाईचारे मैं भाईचारे सांझ लई आया सी और अमन शांति बन के रहे, अमन शांति लई असीं पूरी उम्मीद करदे कि अमन शांति पंजाब च रहेगी और मेरा भी पूरा सहयोग रहेगा कि पंजाब दे विच साडा हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई सब आपस भाई भाई साडा भाईचारा कायम रहे। सरकार नूं सोचना पैणा वै कि सरकार ने किदां कायम रखनी है। हर रोज गैंगवार गुंडा राज है, कित्थे आ कित्थों आ रहा वै। इसलिए सरकार नूं चाहीदा वै गैंगवारवाद खत्म करना चाहीदा है, गैंगस्टरवाद खत्म होना चाहीदा वै, पंजाब नूं अमन शांति वल लैके जाना चाहीदा वै। और असी भाईचारा सांझ वाले पत्रकार भाईचारे कहना कि सारे जिन्ने भी असी भरा खड़े हाँ कुछ भी हाँ, सारे नूं पत्रकार भाईचारे नूं बेनती है कि जिहड़ी भी है पंजाब दी पॉजिटिविटी दी गल्लां होण, नैगेटिविटी दी गल कदी ना होवे। जय कर वीर गुंडे और हर महादेव। दसो पंजाब दे विच जो सरकार दा रवैया है रोल है शांति लई आ और सारयां नूं कहिंदे आ कि असीं मिलजुल के रहिए, मिलजुल के साडा मुद्दा है, साडा मिलजुल के रहिण दा मुद्दा है। गुरदासपुर च कल एफआईआर कट्टी गई जो शिवसेना आगू बाला साहब दा आगू सी हरविंदर सोनी दरबार साहब ते बारे कोई वध टिप्पणी कीती सीगी, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਘਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਘਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮਿਲ ਵੰਡ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਲ ਵੰਡ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੜਕਾਊ ਬੋਲ ਜੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ? शांति का माहौल बिल्कुल हैगा जी, शांति का माहौल बिल्कुल पंजाब दे विच हैगा वै, शांति रहूगी, असी करेंगे, असी इस भी गवर्नर साहब मिले सानू आश्वासन मिले। माहौल है पर अमित शाह कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर स्थिति नहीं ठीक पंजाब। मैं की कह रहा जी, असी इसलिए ज्ञापन दिता सी, इसलिए सरकार नूं जिहड़ा मोरंडर नेली भेजे मोरंडर दिता है कि जिहड़ी अमन शांति पंजाब च बनी रहे और बनी रहेगी भी, असी भी कहने कि बनी रहे। ਕਿਹੜੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਨੌ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਦੀ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਦੇ ਹੈ,
ठीक है, जेड़े कोई शरारती आंसर बोलते हैं सरकार उन्हें परचा दर्ज करे। और असी जेड़ा चाहे साडा बंदा चाहे किसी का भी यार किसी भी गुरुआ बारे गलत बोलूगा तो परचा होना चाहिए।